Hey guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके हेयर डैमेज हो चुके हैं एंड अगर आप लाइक कोई भी केमिकल वगैरह अगर आपने यूज़ किया है एंड आपको लग रहा है कि आपके हेयर बिल्कुल रूखे और अजीब से हो गए हैं, बहुत बुरी तरह लाइक डैमेज्ड हैं, ठीक है, ख़राब हो गए हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, कौन से स्टेप्स फॉलो करें. सो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि आप घर बैठे अपने डैमेज्ड हेयर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं. एंड अगर आप मेरी लाइक हेयर केयर की वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है अपने हेयर से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान में रखने के लिए. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है एंड साथ ही साथ आप ज़रूर मेरी वीडियो पे स्टे ट्यून बने रहिए एंड मेरी वीडियोस को देखा करिए. एक नॉलेज ही मिलती है, नॉलेज इंक्रीज होती है एंड उस नॉलेज को शेयर भी कीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे 7 तरीके जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके हेयर्स जो है वो डैमेज फ्री हो जाएंगे एंड दूर दूर तक आपके हेयर्स ना डैमेज बिल्कुल नहीं होने वाले, प्लस शाइन आ जाएगी, स्मूथ बन जाएगी, आपके हेयर्स में बाउंस आ जाएगा एंड वंडरफुल हो जाएंगे आपके हेयर्स. सो डेफिनेटली कीप वॉचिंग. चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो सबसे पहला तरीका है दैट इज़ कि आपको लाइक ओवर वॉश नहीं करना है. बहुत सारे लोग लाइक गलत करते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या हम ना वॉश कर लेते हैं, ठीक है. आई नो कि अगर आपके हेयर गंदे हैं तो आपको वॉश करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके हेयर गंदे नहीं हैं, आपके हेयर में इतना ज़्यादा डर्ट जो है वो इकट्ठा नहीं हुआ है, रेजिड्यूज इतना ज़्यादा नहीं है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए. ज़्यादा आप हेयर वॉश मत कीजिए, हफ्ते में 2 बार दैट सेट या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, लेकिन कई लोग डेली हेयर वॉश करते हैं. ठीक है, मानती हूँ कुछ रीजंस होते होंगे लाइक हेयर वॉश करने के, लेकिन अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है तो आप डेली हेयर वॉश नहीं करेंगे. अदरवाइज जो आपके हेयर में एक नेचुरल शाइन होती है, नेचुरल वॉल्यूम होता है, वो सब रिड्यूस हो जाएगा. प्लस आपके हेयर में जो एक नेचुरल सीबम जो निकलता है ना हमारी बॉडी से, वो भी रिड्यूस हो जाएगा एंड साथ ही साथ आपके हेयर जो है थिन होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके हेयर की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा डल हो जाएंगे आपके हेयर. सो आपको नहीं यूज़ करना है, नहीं आपको वॉश करना है, हेयर डेली वॉश नहीं करना है, हफ्ते में 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं. अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसका आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए वो ये है कि आपको राइट ब्रश या राइट कॉम का इस्तेमाल करना आना चाहिए. अगर हम ब्रशेस की बात करें तो ब्रशेस के अंदर जो पेडल ब्रशेस होते हैं, मूवेबल ब्रश होते हैं, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले जो ब्रश होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं आपके हेयर्स के लिए एंड आपके हेयर्स को काफ़ी अच्छा बना के रखते हैं एंड लाइक एक स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, प्लस बहुत अच्छे से डिटैंगल करते हैं आपके हेयर्स को. सो अगर आपके हेयर्स स्ट्रेट हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप पेडल ब्रश यूज़ करें एंड अगर आपके हेयर्स कर्ली हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं मूवेबल ब्रश. एंड अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत थिन हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज़ सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रशेस ही आपको यूज़ करने हैं. डेफिनेटली एक बार आप ट्राई करके देखिए, फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिले या नहीं. ठीक है, ये मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. एंड अब हम बात करते हैं कॉम की, तो आपको कौन से कॉम जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए. देखिए, मैं हमेशा से कहती आई हूँ, मैं अपनी हर हेयर केयर की वीडियो में मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि प्लीज़ गाइज यूज़ कीजिए थिक ब्रिसल्स वाले कॉम, पतले दांतों वाले कंघों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए. जिनके मोटे दांत होते हैं, जिन कंघों के, आप वो ही इस्तेमाल करें. एंड येस, बहुत से लोग, बहुत से हेयर स्टाइलिस्ट एंड ऑलमोस्ट सारे हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं जो स्मॉल जो ब्रश आता है ना, जिन लाइक पतले दांतों वाला लाइक यूज़ करते हैं, बिकॉज उनको हेयर स्टाइल क्रिएट करना होता है एंड हर टाइम तो आप हेयर स्टाइल क्रिएट नहीं करवाएंगे. ठीक है, सो आपको अपने घर में कौन सा कॉम यूज़ करना है जिनके दांत थोड़े से मोटे हैं, पतले दांतों वाला बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अगर आप अपने हेयर की केयर करना चाहते हैं. अब हम मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप. सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कि आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए नेचुरल होम रेमेडीज़
डेफिनेटली हेयर मास्क यूज़ करने चाहिए। अगर आपको लाइक नेचुरल होम रेमेडीज़ नहीं पता है कोई भी, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने नेचुरल होम रेमेडीज से रिलेटेड एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ मैंने शेयर की हुई हैं, अपने आइडियाज़ मैंने शेयर किए हुए हैं, और जो चीज़ें मैंने अपने ऊपर यूज़ की हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ पसंद आती है तो आप उसको ट्राई करके ज़रूर देखिए, मे बी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। एंड मैं पर्सनली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक ऐसा मास्क है जो कि सब लोगों को सूट करता है, आप यूज़ कर सकते हैं। हनी मास्क ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर्स में, काफ़ी अच्छा स्मूथ शाइन सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, इवन आपके जितने भी डैमेज हेयर हैं उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है। अगर आप मुझे कहेंगे कि हनी मास्क आप हमें सिखाइए, तो मैं आपको डेफिनेटली लाऊंगी। एंड एक मास्क मैं और बता देती हूँ आप लोगों को, आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल वाला मास्क, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। ये दोनों मास्क ऐसे हैं जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत बार इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये मैंने अभी तक इनकी शायद मैंने रेमेडीज शेयर नहीं की है। बट इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर प्रोसेस में बताऊँ, कोई ज़्यादा इतना मेहनत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोग को बताऊंगी, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली अगर आपको यहाँ तक की मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज कि बहुत से लोग यूज़ करते हैं ब्लो ड्राई, ठीक है। जब भी आप लाइक हेयर वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद लाइक लोगों को लगता है बहुत लाइक भाग दौड़ की ज़िंदगी है, रश में है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं वैसा नहीं। यार एक बात बताइए, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आप किस चीज़ के लिए टाइम निकालेंगे, मुझे बताइए। अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, अपनी चीज़ों के लिए टाइम ज़रूर निकालिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए टाइम ज़रूर निकालिए एंड अपने हेयर के लिए भी टाइम ज़रूर निकालिए। तो जब भी आप लाइक हेयर वॉश करते हैं तो एयर ड्राई होने दें, ठीक है। एयर ड्राई खुले मतलब हवा में नॉर्मल जैसे हमारे बाल सूखते हैं वैसे सूखने दें। ब्लो ड्राई का इस्तेमाल आप कम करिए, लेकिन जो लोग इस प्रोफेशन में होते हैं उनको ज़्यादा ही चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, तो वो और चीज़ें यूज़ करें उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ब्लो ड्राई आप कम कीजिए, एंड अगर आप यूज़ करते हुए तो ब्लो ड्राई आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस में यूज़ करिए, बहुत पास से यूज़ मत कीजिए। एंड स्पेशली अगर आप ब्लो ड्राई या कोई भी केमिकल वाली चीज़ें लगा रहे हैं, कोई भी हीट वाले प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो हीट प्रोटेक्टर ज़रूर लगाइए, ज़रूर, सो दैट कि आपके हेयर जो हैं वो डैमेज ना हो। और जो हेयर आपके डैमेज हैं, आज हम बात करें जिनके हेयर डैमेज हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपके हेयर्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज कि आपको रेगुलर ट्रिमिंग ज़रूर करानी चाहिए। रेगुलर ट्रिमिंग आप ज़रूर कराइए, लेकिन मेरे जैसे जो कॉन्शियस हैं, जो हेयर को लेके बड़ा उनको ये लगता है कि हाँ बाल छोटे हो जाएंगे, बाल ये हो जाएगा, कट जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, और लाइक पार्लर में जाके बिना हेयर लाइक कटर को ऐसे बोलते हैं कि भैया थोड़े से आप प्लीज़ ज़्यादा मत काटिएगा, ऐसे मत करिएगा, वैसे मत करिएगा। तो आई नो कि उनको पता होता है कि कितना अमाउंट कटना चाहिए आपके हेयर्स का, कितने अमाउंट की नीड है हटाने की, कितने अमाउंट आपके हेयर्स को फ्रेश बनाएगा। सो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपने हेयर्स के लिए, और मैं बड़ी मेहनत करती हूँ अपने हेयर्स को लॉन्ग रखने के लिए। सो लेकिन मैं अपने घर में खुद से करती हूँ, तो घर वाला मेथड मैं आप लोग को अभी बता दूँगी, क्विकली बताऊँगी तो आपको समझ आ जाएगा मे बी। एंड लेकिन जो लोग को नहीं है, जो लोग हेयर कॉन्शियस नहीं है, जो लोगों को स्टाइल वगैरह बड़ा अच्छा लगता है, जो लोगों को लाइक डिफरेंट हेयर कट्स पसंद है, तो डेफिनेटली आप ट्रिमिंग ज़रूर किया कीजिए, ट्रिमिंग ज़रूर करवाया कीजिए रेगुलर बेसिस पे, लाइक हर 2 महीने में आप ज़रूर ट्रिमिंग कराइए, सो दैट कि आपके हेयर्स पे एक फ्रेश लुक बनी रहेगी, बाउंसीनेस हमेशा बनी रहेगी, एंड आपके हेयर्स जो हैं वो शाइन भी बनी रहेगी, और एक क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है हेयर की। अब हम बात करते हैं जो मेरे जैसे लोग हैं, जो हेयर कॉन्शियस हैं, जो लाइक इतना ज़्यादा हेयर्स नहीं कटवाना पसंद करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। बहुत ईजी तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा हेयर का सेक्शन लेके एंड देन ट्विस्ट करके, एंड उसके बाद थोड़े से हेयर इस तरह से निकाल के, जो हेयर्स बाहर निकलते हैं उनको हल्का हल्का सा कट करके इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपके लाइक स्प्लिटेंस भी ख़त्म हो जाएंगे एंड आपके डैमेज हेयर भी ख़त्म हो जाएंगे, प्लस आपके हेयर्स जो हैं वो ट्रिम भी होते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो ये आप कर सकते हैं, लाइक महीने में एक बार आप कर लीजिए, आप काफ़ी सही रहता है एंड काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो ये पर्सनली मैं करती हूँ, मुझे पसंद आता है तो मैं करती हूँ, मे बी आप लोगों को भी पसंद आए,
एक बार ट्राई करके देखिए, ज़्यादा बाल मत काटिएगा प्लीज, नहीं तो आपके बाल वैसे ही छोटे हो जाएंगे। तो हल्का हल्का ट्रिम कीजिए बिल्कुल कॉर्नर से, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ कि सन में जाने से बचें, ठीक है। जो पीक आवर होता है हमारा, जिस टाइम पे सन एकदम पीक होता है, बहुत तेज़ धूप होती है, उस टाइम आप बाहर ना निकले, ठीक है। नहीं तो आपका जो हेयर का कलर है वो फेड हो जाएगा, प्लस आपके ड्राई हो जाएंगे, शाइन ख़त्म हो जाएगी, एंड हेयर लाइक बहुत ज़्यादा फेड आउट हो जाएगा कलर हेयर्स का, एंड ब्रिटल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप लाइक सन में निकलते हैं तो ये सारी चीज़ों के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। एंड प्लस अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो डेफिनेटली ही प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें, वही लगाएं। एंड एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, एक टिप है जो कि मेरी पर्सनल है। सो आप क्या कर सकते हैं, लाइक आप स्किन केयर में यूज़ करते हैं सनस्क्रीन अपनी फेस पे लगाने के लिए, तो आप उस सनस्क्रीन को साथ साथ अपने हेयर्स पे भी लगा सकते हैं। डेफिनेटली ये काफ़ी वर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके हेयर्स के लिए, एंड ये हेयर्स को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देखिएगा, मैं तो कर लेती हूँ कभी कभी, जब मैं फेस पे लगाती हूँ तो मैं फटाफट से हल्का हल्का हेयर्स पे भी लगा लेती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लाइक सनबाथ के टाइम पे डेफिनेटली आप कैप यूज़ किया कीजिए अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट कि आपके हेयर्स जो हैं अच्छे से प्रोटेक्ट होके रहें, क्योंकि हीट जो है वो इन सब चीज़ों को डैमेज करती है। तो हमें अगर अपनी बॉडी के लिए हीट चाहिए, हमारी बॉडी को हीट सूट कर रही है, लेकिन अगर हमारे हेयर्स को, हमारे फेस को सूट नहीं कर रही है, तो आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है, दैट इज़ कि अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो हेल्दी फूड खाना शुरू कर दीजिए, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स वाला फूड खाना शुरू कर दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट कर दीजिए, एंड जितने भी लाइक आपके जो फैटी फूड्स होते हैं ना, जिनमें लाइक बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट होता है, एंड जो जंक फूड्स होते हैं, प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए। आई होप ये सारी टिप्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी, एंड डेफिनेटली इन टिप्स को आप यूज़ करके अपने डैमेज हेयर को ठीक कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। ये टिप्स थी घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि आप इस तरीके से घर बैठे अपने डैमेज हेयर को ठीक कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय, हैव एंजॉय एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।